हाय गाइज, आज की वीडियो हम बात करेंगे ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर के नोट्स के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे सिविल की गोली पब्लिशन की तरफ से यहाँ पे एक ड्राफ्ट्समैन के नोट्स आए हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें आपको क्या स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ में 1800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन। साथ में आपको इसमें प्रीवियसर मिलेंगे ड्राफ्ट्समैन के, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, तो इन सब के जो ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर के पेपर है वो भी आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये नोट्स किस तरह से आता है। इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो है आपके 480 पेजेस की बुक मिलती है आपको। तो एक तरह से है ये नोट्स, लेकिन इन्होंने प्रिंटेड फॉर्म में बनाए हैं तो सही है। अब देखो, इसमें पहले मैं आपको ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस दिखा देता हूँ जो इसमें दिया गया है, और यहाँ पे सामने पेज नंबर भी आपको दिखता जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आपका, ये बेसिक यहाँ पे इसका है। उसके बाद वहाँ के मटेरियल्स हैं, उसके बाद आपका बिल्डिंग मटेरियल है, उसके बाद प्रोटेक्टिव मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, देन आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट को, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आर्चेज आ गए, और ये रूफिंग फ्लोरिंग वगैरह हो गया, पार्क एंड प्ले ग्राउंड हो गया, अर्थक्वेक है, सर्वेइंग है। तो बुक बहुत अच्छी है, बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे जो लगी वो मैं आपको बताऊँगा आपको, कि लेवलिंग, थर्डोलाइट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग मतलब ऑटो कैड, आरसीसी, स्टील और हाउस ड्रेनेज। ठीक है, रोड, ब्रिज, कलवर्ट, रेलवे, इरिगेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग और टोटल स्टेशन। इस तरह से टोटल 347 पेज तक आपका, सॉरी ये हाँ 347 तक तो आपका इस तरह से थ्योरी का पोर्शन दिया गया है, जो नोट्स, जो आपका थ्योरी का सिलेबस होता है। उसके बाद में उत्तराखंड का ड्राफ्ट्समैन का 2017 का पेपर है, उत्तराखंड का सर्वेयर का पेपर है, हरियाणा ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, उसके बाद हरियाणा ड्राफ्ट्समैन का इंस्ट्रक्टर का, ये दोनों सेशन की मॉर्निंग और आफ्टरनून, पूडा हो गया पंजाब का, पीएसएस भी पंजाब का, ये भी पंजाब का पेपर है एक, और यूपी SSSC, ये यूपी का हो गया, ये जम्मू कश्मीर का, ये हरियाणा का है। तो यदि आप ड्राफ्ट्समैन की तैयारी कर रहे हो तो इन पेपर्स को लगाओगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एक चीज़ जो मुझे, मैं आपको बता रहा था वो अच्छी नहीं लगी, नहीं वो यही है कि ड्राफ्ट्समैन में मेजोरिटी जो मैंने देखा है वो लोग होते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो बुक यदि हिंदी में भी अवेलेबल करवाते तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में है ये, तो वो चीज़ें हैं। अब इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि देखो, ये थ्योरी है आपकी, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, और तो कंटेंट अच्छा है। देखो, इसके बाद में इन्होंने कई कई जगह क्वेश्चन भी इन्होंने डाले हुए बीच में, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चन भी डाल दिए, फिर अगला स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं बीच बीच में, तो क्वेश्चंस कमी है। क्वेश्चंस आप, इन्होंने बता रखा ना टोटल ये 1800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये पेपर्स हैं प्लस थ्योरी का पार्ट, तो एक अच्छा खासा चीज़ आपको इस बुक में मिल जाती है। तो थोड़ा थोड़ा डाटा ही सही, लेकिन सब कुछ कवर किया है, तो डाटा इतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से ये है कि एक ओवरऑल सही चीज़ें कवर की है, कि बहुत कुछ आपको मिल जाता है इसमें काम काम की चीज़ें। अब जैसे ये स्टोन मेसनरी आपका ख़त्म हुआ, तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से फिर ब्रेक आ गई। तो ये सारे आपको अलग अलग टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इतना ज़्यादा डाटा भी नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है देखा जाए तो, मतलब काम काम की चीज़ें सब जी है, एक ओवरऑल एक सब कुछ चीज़ें कवर करने की यहाँ पे कोशिश की गई है एक ही चीज़ों में, तो नो डाउट एक बढ़िया ऑप्शन है। बस यही है कि यदि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होता तो बहुत ही अच्छा रहता मेजोरिटी। बाकी अभी के लिए ऑप्शन यही है आपके पास कि ये इंग्लिश में, इवन ऑटोकैड जैसी सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर की गई है प्रॉपरली, तो ऑटोकैड भी जैसे आप ये पढ़ोगे यहाँ पे तो अच्छा दिया गया है एकदम प्रॉपरली, सारी आपको कमांड मिल जाएगी यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई। ठीक है गाइज,
और इस तरह से मैं बता ही दिया था आपको कि बीच बीच में इसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी कवर है, जैसे जैसे आपका ये ब्रिज हो गया, टनल हो गया, तो इसके बाद में देखो यहाँ से क्वेश्चंस आ गए ये सारे, तो क्वेश्चंस काफ़ी हैं ऐसे देखा जाए तो। और लास्ट में आपके यहाँ पे इन्होंने दे रखे होंगे पेपर्स प्रीवियस ईयर, ये रहे जैसे UP SSSC ड्राफ्ट्समैन, तो ये पूरा पेपर दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे ये इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं और इसके बाद में इनका सॉल्यूशन भी डाला है। तो इस तरह से है, ओवरऑल एक अच्छी बुक है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। यदि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी प्राइसेस वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा, और जो मैं आपको एक नंबर बता दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, उस पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा। यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा होगा, एक सेकेंड, ये वाला जो नंबर है 9255624029, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और आप बोल दीजिएगा कि कौन सी बुक आपको चाहिए। आपको यहाँ से मिल जाएगी सिविल गोली पब्लिकेशन की कोई भी बुक और सारी इन्फॉर्मेशन। और बाकी देखते ही, अभी अमेजन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है नहीं है, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी आपको मैं अपने टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मेक श्योर यू हैव ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट। सो थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।